अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप राजी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग शाहिद भट्टी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सरगोधा यूनिवर्सिटी जो है वो MA MSc पार्ट वन पार्ट टू एनुअल फर्स्ट एनुअल 2023 के जो एडमिशन है उनका स्केजुअल जारी कर दिया है और एडमिशन ऑनलाइन वो रिसीव करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट जिन अपना BA BSc 1 जुलाई 2022 से पहले कंप्लीट किया हुआ है वो इसमें एडमिशन फ्रेश कैंडिडेट कंपोजिट के तौर पर जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होनी है। तो देखें, जो बाकी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले करती हैं, लेकिन सरगोधा यूनिवर्सिटी का शुरू से ये रूटीन रही है कि वो जो रजिस्ट्रेशन है वो एडमिशन के वक्त जो है वो साथ ही कर लेती है। लिहाजा जो है आपने जब एडमिशन सेंड करना है ऑनलाइन तो इसकी जो अब फीस है जो है ना चालान जनरेट करने लगेगी तो जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो कैलकुलेट होकर साथ ही आ जाती है। तो सरगोधा यूनिवर्सिटी शुरू से इनकी यही है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है इनकी साथ ही होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो पहले रजिस्ट्रेशन करती हैं और बाद में जो है वो एडमिशन जो है वो रिसीव करती हैं, लेकिन सरगोधा यूनिवर्सिटी ये करती है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो साथ ही ये एडमिशन के साथ ही ऑनलाइन वो रिसीव करते हैं। और आपने जो है जब फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने सरगोधा यूनिवर्सिटी के अटेस्ट करवा के सरगोधा यूनिवर्सिटी के जो गिवन एड्रेस है फॉर्म के ऊपर वहाँ पे आपने सेंड करना है। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।